नहीं चलता क्या? बाबूजी, बाबूजी आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। आराम, मैं आप रहने दीजिए, बाबूजी आप रहने दीजिए, मैं उठाता हूँ। हाँ, ये हो गया। लगता है इस शहर में नए आए हो और बेरोजगार भी हो। बाबूजी आप कोई ज्योतिष हैं क्या? अरे तुम्हारी हरकत देखकर कोई भी कहेगा ये तो। मैंने ऐसी क्या हरकत कर दी बाबूजी? तुमने एक अनजान आदमी की मदद की, इससे पता चलता है कि तुम इस शहर में नए हो। हाँ, और मेरी गिरी हुई सब्जियां उठा दी, इससे पता चलता है कि तुम इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम बेरोजगार भी हो। वो तो हो बाबूजी। क्या नाम है तुम्हारा? जी शंकर। जीते रहो बेटा। तो क्या हुआ बाबूजी? नाम तो शंकर है, बचपन में हमने एक हाथ की बोधी रखी थी तो लोग प्यार से जटा शंकर कहने लगे। अब बोधी तो कट गई, नाम से जटा नहीं हटा। आइए चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ना। अरे नहीं बाबूजी, दो मिनट का कितना दूर है? संभाल के बाबूजी। मर गया। धीरे धीरे बाबूजी, धीरे। अरे बड़ी चोट आई। अरे विजय, ओ विजय, आ गए आप? सब्जियां भी ले आए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है आपके नवाब नौकर। अच्छा भाई, तुम तनख्वाह किस बात की लेते हो? तनख्वाह? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? वाह वाह, अपने बूढ़े माई बाप को सब्जी लेने भेजते हो, इसी शर्म नहीं आती? जटा शंकर जी नहीं। जी बाबूजी, मैं इनका माई बाप नहीं हूँ, तो सिर्फ बाप हूँ, फादर ओनली। और ये दोनों मेरे बेटे हैं, नौकर नहीं है। तब तो आपको इतनी बड़ी शर्म आनी चाहिए, वो भी चुल्लू भर पानी हाथ में लेकर। ये कौन है पिताजी जो हमें शर्मिंदा करने पर तुले हुए? अरे भैया, हम आज से नहीं बहुत जमाने से तुले हुए हैं। जटाशंकर हूँ, 70 किलो का। ये तो सही वक्त पर आ गया, नहीं तो आपके बाबूजी 10 ग्राम के रह जाते। 10 ग्राम? क्या आपने कोई स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया है पिताजी? स्लिमिंग सेंटर तो नहीं, हाँ रोड के सेंटर में जरूर चला गया था। चलते चलते और एक गाड़ी मेरे पास से गुजर गई, बस। गाड़ी जरा पास से गुजर गई थी? अच्छा अच्छा, पास से नहीं, हार्ट के पास से गुजर गई। हार्ट अटैक होते होते बचा, ये तो गनीमत है। बाबूजी का सिर्फ पांव ही मुड़ा है। पांव मुड़ गया? जरा दिखाना। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, सूज जाएगा, सूज जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, हाथ लगाने से कभी हाथ सूज जाता है क्या? अरे हाथ नहीं भैया, पांव सूज जाएगा, पांव। वो एक्चुअली बाबूजी, अरे कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और इसने मौके पे आके सहारा दिया और यहाँ तक ले आया। अरे अरे जटा शंकर जी, ये सब मेरा परिवार है। हाँ। जी मैं हूँ बड़ा लड़का विजय और ये है मेरी वाइफ अनीता। आपकी मतलब वो? और मैं मंजला विनोद और ये मेरी स्पेशल केस सुनीता। मैं आपकी वो। और मैं हूँ चुटका विकी और ये चुटकी नमिता। आप इसकी उसकी? ओ, अब यहाँ खड़े खड़े इसकी उसकी करते रहोगे या मेरी खिसकी खिसकी हुई एडी का इलाज भी करोगे? जाओ थोड़ा सा मलम लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। मलम? कौन सा मलम बाबूजी? झपट मलम। झपट? सपट मलम। सपट? नहीं नहीं, लपट मलम। अरे भाई ये झपट सपट लपट छोड़िए, देसी मलम लगाइए। मैं बताता हूँ, बिल्कुल आयुर्वेदिक नुस्खा है बाबूजी। थोड़ा सा सामान मंगवाना पड़ेगा बाजार से, उसे पकाना पड़ेगा और उसका लेप लगाना पड़ेगा। 1 घंटे बाबूजी दौड़ने लगेंगे। अरे जो भी मंगवाना है लिस्ट बना के विनोद को दे दो, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने जाना है। छोड़ो भैया, एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो ये सब काम करता ही रहता हूँ, लेकिन आज प्रॉब्लम है, मेरी सैलरी का दिन है, मैं लेट नहीं पहुँच सकता। हाँ मैं बहुत लकी हूँ, मेरा छोटा भाई विकी बहुत होशियार है। देखो, अरे मेरे नए प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है और सुबह से मैं बाथरूम भी नहीं गया। और एक्सक्यूज मी, अरे हमारे बिना तुम लोग कभी तैयार हुए हो? मुझे भी जाना है वो कपड़े प्रेस करने, मुझे तो कपड़े धोने हैं, धोने। और मुझे इम्प्रेस करना है अपने हस्बैंड को। बाबूजी ये तीनों आपके अपने बच्चे हैं?
बदनसीबी। आप ठीक ही कह रहे थे बाबू जी, गाँव और शहर में बहुत फर्क होता है। बाबू जी ये रहा हल्दी वाला दूध, इसको पी लो अंदरूनी चोट सब बाहर निकल के बाहर आ जाएगा। तुम क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हो भाई, तुम्हें देर हो रही है, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कहाँ परिवार वाले, वो सब तो गांव में हैं। यहाँ जिसके भरोसे आए थे वो तो हमको राह पे छोड़ के चला गया। मतलब जिनके भरोसे परिवार को छोड़ के आए थे ना, वो हमको यहाँ शहर में राम भरोसे छोड़ के खुद ही श्रीलंका चले गए। अब क्या करें, यानी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है ना। कहाँ बाबू जी, कहने को है कलंदर, रहते हैं बोरी बंदर। बड़े विनोदी पुरुष हो तुम। बाबू जी मुंबई सेंट्रल में लाकर में सामान के साथ साथ खुद को भी जमा करके आ गए हैं। रात को बिस्तर बंद की तरह जाके वहां पड़े रहते, अब क्या करें। तुम ऐसा करो, सामान लेकर यहीं आ जाओ और हमारे साथ ही रहो ना। बाबू जी काहे कोई गंवार को अपने कंधों पे लाद रहे हैं। वक्त पड़ने पर तुमने हमारी मदद की थी कि नहीं, तो वो तो हमारा फर्ज था, हमें अपना फर्ज अदा करने दो। बाबू जी हम क्यों पे बोझ नहीं बनना चाहते, कह देते। देखिए बाबू जी, अगर हम यहाँ रहेंगे तो फिर घर का काम काज करेंगे। हाँ करो भाई, तनख्वाह लेनी पड़ेगी। तनख्वाह? क्या उसे आज तनख्वाह मिल रही है? तभी तो मैं यहाँ उसका वेट कर रही हूँ। गुड, वेरी गुड। मैं तो भूल ही गया था कि आज उसका पेड़े है। पेड़े, पेड़े, पेड़े। अरे कहाँ है पेड़े? वो भूखी पंगत के मोटे ब्राह्मण, पेड़े नहीं पेड़े, पैसे मिलने का दिन। हाँ, तभी मैं सोच रहा था कि सुबह से मेरे हाथ में खुजली क्यों हो रही है। अरे भगवान, इसे कहते हैं कि गांव बसाने मंगते पहले आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि विनोद को आज तनख्वाह मिल रही है, समझा? अच्छा, फिर तो मेरी खुजली जेन्युइन है। लेकिन अगर तनख्वाह सीधे फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में चली गई तो तू हाथ खुजाता रह जाएगा, हमें चारा घोटाला करने का मौका नहीं मिलेगा, समझा? तो क्या करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर को विदेश भेज दें। गुड आइडिया। वन मिनट। हाय भाभी, हाउ आर यू? फाइन ना? थैंक यू, आई एम आल्सो। विनोद भैया का इंतजार कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठी दूध वाले का इंतजार कर रही हूँ। Frankly, लग भी कुछ ऐसा ही रहा है। मतलब आपने इस वक्त अपने चेहरे को देखा है? आईने में जाकर देख लो। अरे विनोद भैया बेचारा आएंगे 500 वॉट के बल्ब की तरह चमकता हुआ चेहरा लेकर, और आप स्वागत के लिए खड़ी होंगी 0 वॉट का बल्ब बनकर। फिर आपका ऐसा चेहरा देखकर विनोद भैया के तो 12 ही बच जाएंगे ना। बात तो ठीक है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर ना तैयार हो जाता हूँ। चलो 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 चलो, पाउडर ज्यादा लगाना, लिपस्टिक कम। क्या बात है, क्या ब्रेन है यार, क्या आइडिया है, वेरी गुड। अरे आइडिया छोड़ो, क्या टाइमिंग है, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर की एग्जिट और यहाँ कैश की एंट्री। हाय भैया। हाय हाय। अरे गिनता रहा है, गिनता रहा है, थोड़ी देर और गिनता रहा है। बड़े दिनों बाद हमें भी हरे नोटों की खुशबू मिल रही है, ऐसा क्यों नहीं की? नाक बंद कर लो अपना। अरे नाक कैसे बंद करेंगे, इतनी कड़की जो लगी हुई है। तो ये मेरी तनख्वाह है। ये तो गम खा के क्यों बोल रहे, मेरी तनख्वाह है। तुझे तो मालूम है तेरे सामने मैं कभी हाथ नहीं फैलाता, सीधा छीन लेता हूँ। ऐसे बड़ा भाई देता है, कभी नेता नहीं। रामायण पढ़िए कभी। मैं लौटा दूंगा, जो गाने रिकॉर्ड करने के बाद म्यूजिक कंपनी वाले मुझे रॉयल्टी देंगे, रॉयल ब्याज के साथ तुझे वापस कर दूंगा। मिलेगा तो मुझको प्याज ना। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहा है छोटा भाई, देखता है लेता नहीं है कभी। महीने में एक आध बार तो थोड़े पैसे मांगता हूँ, इससे ज्यादा कुछ मांगे आपसे? हद होती है। जान ले ले, तुम दोनों का कैरेक्टर मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए बोनस का पैसा बचा रखा था। लड़कों वाला दिमाग है मेरा, ऐसा वैसा। बहुत अच्छा किया, वरना इस महीने घर में राशन ही नहीं आता। अभी तुम भी अपने पति भी गई हो, अरे इससे तो 4 महीने का राशन आ जाएगा। बहुत ही अच्छा हुआ, अब अगले 4 महीने के लिए राशन की चिंता खत्म। भाभी मेरी चिंता तो शुरू हो जाएगी ना। सुनीता, 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 सुनीता। हाय हाय। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो। चोर लुटेरे डाकू, क्या कहा तुमने? नहीं 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 नहीं,
मैंने तुमको कुछ नहीं कहा। तुमको मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? मैं एक्चुअली तुम्हारी तारीफ कर रहा था। हाँ, चोर लुटेरे डाकू का मतलब तुम्हारे सूरत ने चुरा लिया है मेरा दिल, तुम्हारे अदाओं ने लूट लिया है मेरा चैन, तुमने डाका डाला है मेरे दिल पर। वाह वाह, चोर लुटेरे डाकू बन गए ना तो। अब ये लुटेरी तुम्हारा दिल चोरी करने के बाद तुम्हारी जेब पे डाका डालने वाली है। बड़ो, बड़ो, ढूंढो ढूंढो रे साथ। क्या कर रही हो तुम? वो कॉक कहाँ है? क्या कहा है? तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा वो बोनस जिससे तुम मेरे लिए ज्वेलरी खरीदने वाले थे, कहाँ है? जब वो मेरे हाथ में था तब तुम कहाँ थी? मैंने तुमको कितनी बार कहा है जब मैं तनख्वाह लेकर घर में आऊँ तो दरवाजे के आसपास रहा करो, मुझे प्रोटेक्ट किया करो, एसपीजी कवर बना करो। अरे मैं वही थी, थोड़ी देर के लिए तो आई हूँ तैयार होने तुम्हारे लिए। जब थोड़ी देर के लिए तुम ऊपर तैयार होने के लिए आई थी तब दरवाजे पर विजय भैया, विक्की और भाभी तैयार खड़े थे मेरी तनख्वाह लेने के लिए और वो ले गए। क्या लूट मचा रखी है? मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करने वाली। क्या समझ रखे उन लोगों ने? कल फैसला होकर ही रहेगा। सुनीता, पैसे चले गए, अब तुम भी चले जाओ, मैं क्या करूंगा? हद होती है किसी बात की, जब भी ये सैलरी लेकर घर आते हैं मेरे हाथ लगने से पहले गायब ही हो जाती है। सुनीता, पैसा तो हाथ का मैल होता है, आना जाना तो लगा ही रहता है। तो ये हाथ का मैल मेरे हाथों में रहने दो ना। डर तो लिया है, कोई चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला? आप लोगों का उधार लेना किसी डकैती से कम नहीं है। हम लोगों को डाकू कह रहे हैं? हम लोगों को नहीं, सिर्फ आपको। तेरे पति ने नहीं लूटा, तेरे पति ने नहीं उधार लिया क्या? अरे मैं तो सबसे छोटा हूँ, मेरा हक बनता है भैया की हर चीज पर। मेरे हाथ में तो सटा था, मैं तेरा सटा डाउन कर दूंगी। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? देखो उल्टा चोर मत कहना, मत कहना सुनीता, मत कहना, ये तो सीधे सीधे चोरी करते हैं। यू शट अप। अरे शट अप यू, योर फादर। बस बस, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। होकर रहेगा, होकर रहेगा। भगवान, ये का किए? हमारे घर में पाव पड़ते ही बंटवारे की बात शुरू हो गई। लू का कहेंगे, जटाशंकर पनौती है। क्या कह रहे हो जटाशंकर? सच कह रहा हूँ बहू जी, बहू बेटों में हो गया बलवा और सब कुछ हलवा समझ के घर के बंटवारे की बात बतिया रहे हैं ये। हे भगवान। लेकिन आप चिंता न करें बाबू जी, हम आपको बताते हैं रास्ता ये। अरे तुम क्या बताओगे रास्ता, घर तो मेरा है, मैं सब रास्ते जानता हूँ। अरे वो वाला रास्ता नहीं ना बाबू जी। हाँ। ये उपाय वाला रास्ता, उपाय वाला सोचिंग। सुनीता स्टॉप इट नाउ, बड़ों का तो लिहाज करो। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरे कान हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं हुए? नहीं, नहीं, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं उस घर में मैं रहूं क्यों? मेरी सास ने मुझे पूरी जिंदगी में जो नहीं सुनाया, इस सुनीता ने मुझे एक दिन में सुना दिया। तो चुप करो, चुप करो, पिताजी आ रही है। पिताजी, अब हम इस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहते, आप प्लीज घर का बंटवारा करके हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। क्यों, आखिर बात क्या है? बात बहुत आगे बढ़ चुकी है पिताजी, बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसे दोहराने से क्या फायदा? हमें भी इसके साथ इस घर में नहीं रहना है अब। और मुझे भी, तुम भी तो कुछ बोलो ना। अभी तुमने तो बोला, मैं क्या बोलूं? चलेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मेरे जीते जी बंटवारे की बात करोगे। बूढ़े की लाठी बनने की बजाय मेरे हाथ में बैसाखी पकड़ा दोगे। जाओ, चले जाओ, जाओ इस घर से। नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगे, मैं खुद ही चला जाता हूं। तुम लोगों को इस घर के हिस्से चाहिए ना, जाओ ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, ले। बाबूजी, बाबूजी, अरे अरे देख क्या रहो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। बाबूजी को फोन करके आता हूँ, डॉक्टर को लेके आता हूँ। मैं तो पानी लेकर आऊंगा। मैं लाइन पर हूँ। आप तो मालिक, देखिए बाबूजी हमारे घर पर आएगा। आप तो मालिक, डॉक्टर के लिए किसी ने फोन किया कि नहीं? क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या बताए बाबूजी का हार्ट का हो गया है। हाँ? कोई एक हफ्ते का पेट रेस्ट कहा है। देखिए
आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि अंदर अंदर से न सही लेकिन ऊपर ऊपर आपस में मिलजुल के रहिए ना। बाबूजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। वाह, आप लोग अपने कमरे में जाइए, मैं बाबूजी को देखकर आता हूँ। हार्ट अटैक का पुरजोर असर हो गया। तो फिर मैं ठीक हो जाऊं? नहीं नहीं लेटे रहिए। कहाँ? कब तक? एक हफ्ते तक बस। बाबूजी, जटाशंकर फार्मूला नंबर एक हो गया कामयाब। यहाँ से शुरू होता है जटाशंकर फार्मूला नंबर टू। बस आप लेटे रहिए। भूखे गरीब की यही दुआ है, एक रोटी दे दे अम्मा मेरी। एक दिन खाना नहीं खाओगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा। मैं भी तो भूखी बैठी हूँ। भूखी बैठी है? अरे एक घंटे में 15 सुपारी खा चुकी हो और कह रही हूँ भूखी बैठी हूँ। सुपारी से तो मुंह भर जाता है, पेट थोड़े भरता है। चुगाली करती हुई भैंस को कम से कम ये गलत फहमी तो रहती है कि वो कुछ खा रही है। तुमने मुझे भैंस कहा? अरे मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था। अरे विजय भैया काहे को झगड़ते हो? अरे आप अपना गुस्सा थूको और आप अपनी सुपारी मैडम। जरा अपनी दिशा के देखो, लगोगे उंगलियां खाने। अरे वो तो वैसे भी खाने की नौबत आ ही गई थी। लो। एक मिनट जटाशंकर जी, यहाँ ये खाना इस वक्त तुम किसके कहने से लाए हो? देखिए मैडम, हम किसी के कहने वाने पर नहीं चलते हैं। जो हमारे मन में आता वो करते हैं बस। हमको किसी की परवाह नहीं, चाहे बाबूजी हमको घर से तलिया क्यों ना दे। यहाँ आए हैं किसी को पता नहीं है, कहिएगा नहीं कैसे कि बाबूजी इस वक्त वकील साहब से गुप्तगू कर रहे हैं। वकील? वकील? अरे वकील किस लिए? पिताजी कुछ कह रहे थे क्या? हाँ मालिक, हम ज्यादा तो नहीं सुना है। हाँ। बस इतना ही कह रहे थे शायद कि हाँ। वो नई वसीयत बनानी है। वसीयत? नई वसीयत? ओह हे भगवान विकी, तुमने सुना पिताजी अपनी वसीयत लिख रहे हैं? सबसे छोटे जरूर तुम्हारा ऐसा सबसे कम होगा। अरे वो सब छोड़ो, रसोई के साफ वाला कमरा हमारा होगा, ठीक है? जब देखा तुम्हें खाने की सूझती रहती है। ना ना मालकिन, ऐसा मत कहिए, इनका पेट दुखने लगेगा। चलो यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, चल के उनकी सेवा करते हैं ताकि हमें मेवा मिले। चलो अभी नहीं, सही वक्त पर मौका देख ले। अरे कोई है जो इस प्यासे बूढ़े को पानी पिला दे? पिताजी आपके लिए चिल्ड बॉइल्ड वाटर। मैंने खुद अपने हाथों से उबाला है आपके लिए। पिताजी पिताजी आपके लिए ये मिनरल वाटर, बैक्टीरिया फ्री। पिताजी एक मिनट, छोड़ो, हटो हटो भाभी हटो। पिताजी ये पानी पीजिए, ये पानी से अच्छा पानी तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये गंगा जल है, मुंह खोलिए। बहुत जल्दी है मेरे मुंह में गंगा जल डालने की। मेरा मतलब वो नहीं था पिताजी। क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ? आज तक मेरे नहाने के लिए एक बाल्टी पानी की कोई उठाकर नहीं लाया, और अब पीने के पानी के लिए वैरायटियां चली आ रही हैं। हाँ? गंगा जल तो आ गया, जाओ थोड़े से तुलसी के पत्ते भी ले आओ, ताकि मेरे चले जाने के बाद तुम लोग आराम से इस घर की एक एक ईंट उठाड़ कर बेच डालूं और इस आलीशान घर के को 10x10 के फ्लैट में बदल डालूं। यही मतलब है ना तुम्हारा? दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन एक चीज वापस ले लूंगा, मेरी औलाद कहलाने का हक। नहीं पिताजी, पिताजी ऐसा मत कहिए। पिताजी इस कमवा गवैये से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। जी पिताजी, आप जितना समझते हैं हम उतने बुरे नहीं है पिताजी। हाँ। सॉरी सॉरी पिताजी। नहीं, मैं जानता हूं तुम सबको, तुम अपनी जबान पे कायम नहीं रहोगे। बाबूजी बाबूजी, बच्चों से ही भूल होती है, बड़ों का फर्ज है कि बच्चों को बच्चा समझ के माफ कर दिया जाए। बच्चों का भी कोई फर्ज होता है या नहीं? बराबर होता है। क्या बच्चों का फर्ज होता है कि वो बड़ों की भावनाओं की कदर करे, आपके सुंदर से बनाए हुए परिवार को कभी न तोड़े, और इस बात की वो इसी वक्त आपके सामने कसम खाए
अरे खाओ ना कसम। हम कसम खाते हैं पिताजी, प्लीज प्लीज पिताजी प्लीज। बाबूजी प्लीज ठीक है।